अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स से यकीनन आप मुस्तफीद हो रहे होंगे। और हमने अभी आपको बताया कि स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.4, तो उससे आगे हम जो है वो मजीद हम सॉल्व करते हैं। 2.4 पे आपको बताया कि हमने न्यूटन रॉबसन मेथड जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ था, जो किसी भी जो इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन, उसका रूट कैलकुलेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जो थ्योरम की कंडीशंस थी, रिक्वायरमेंट जो थी, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके जो कुछ प्रॉब्लम्स थे वो हम जो है वो हमने ऑलरेडी कर लिए थे। मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आज मैं आपको उसमें करवा देता हूँ। जैसे 2.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो इसमें 3 है, तो ये हम सॉल्व करते हैं अभी। तो आपको मेथड ऑलरेडी पता है, सबसे पहले हम इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो है वो से डिनोट करते हैं इसको, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है, और फिर इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आप देख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का माइनस वन होता है, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉज ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास जो है वो बन गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस कॉज ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। ये आपके पास इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, और ये आपके पास जो इसका ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद आप सारे जानते हैं कि जो न्यूटन रॉबसन मेथड है, न्यूटन रॉबसन जो फार्मूला इसको कह दें, ठीक है, न्यूटन रॉबसन फार्मूला हमारे पास होता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन और डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना बेसिक फार्मूला है, और इसमें आप बताएं सबसे पहले हमने रिप्लेस क्या करना है, एन की वैल्यूज हमने इसमें जीरो रिप्लेस करनी है, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर, इसको वन का नाम दे दें, ठीक है। और बल्कि इससे पहले हम ये करते हैं, एन की वैल्यूज जो है वो जीरो चले हम बाद में पुट कर लेंगे, पहले हम जो है वो ये करते हैं कि जो फंक्शन हमारा गिवन था वो हम पुट कर ले, फिर हम एन की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। ये वैसे आप या पहले कर दें या बाद में कर दें, इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो मैं पहले फंक्शन की वैल्यूज रिप्लेस करता हूँ, एफ ऑफ एक्स एन। अब हमें ये चाहिए, तो हमें एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा, एक्स की जगह पे एक्स एन, तो यहाँ पे बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स एन माइनस साइन ऑफ एक्स एन होल डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। तो अब इसमें भी आप वैल्यूज पुट कर दें, माइनस e की पावर माइनस एक्स एन माइनस कॉज ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एन माइनस साइन ऑफ एक्स एन एंड होल डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस एक्स एन और प्लस कॉज ऑफ एक्स एन। यानी मैंने माइनस यहाँ से कॉमन दिया और वो माइनस माइनस ये प्लस हो गए, तो बाकी ये आपके पास जो है वो वैल्यूज बन गई हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन वन का। अब आपने सबसे पहले इसमें एन की वैल्यूज रिप्लेस करनी है जीरो, ये ऑलरेडी आपको मेथड मैंने बताया हुआ है। इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में, एन की वैल्यू जीरो, तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो प्लस वन, तो यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स नॉट माइनस साइन ऑफ एक्स नॉट और होल डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस एक्स नॉट और प्लस कॉज ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स नॉट की वैल्यूज आपके पास गिवन है, विच इज 0.5, ये स्टेटमेंट में गिवन थी, ठीक है। 0.5 आपने यहाँ पे पुट कर देना है, e की वैल्यू माइनस 0.5 माइनस साइन ऑफ 0.5 और होल डिवाइडेड बाय 0.5 एंड कॉज ऑफ 0.5, ठीक है। ये वैल्यूज अब आपने यहाँ पे रिप्लेस करनी है, और इसको जो है वो आपने सिंप्लीफाई करना है। इसमें एक बात जस्ट आपने सिर्फ याद रखनी है कि कैलकुलेटर को जब ये साइन और कॉज आ गए ना, तो अब आपने कैलकुलेटर को हमेशा जो ना वो रेडियन मोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आप ऊपर वाले मोड में जाएंगे, तो मोड से जो है ना वो आप कैलकुलेटर को पहले रेडियन मोड में कन्वर्ट करें, और रेडियन मोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो ना वो आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो है वो कैलकुलेट की हुई हैं, ठीक है।
तो वो वैल्यू मैं आपको जो है ना बता देता हूँ, हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी एक्स वन की वो 0.5856 आएगी, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है, आप यहाँ से ही ये सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, कैलकुलेटर से सारा कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर जो है ना वो आपके पास, ये भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब देखिए, पहले आपने एन की वैल्यू 0 पुट की थी, अब आपने एन की वैल्यू इसमें पुट करनी है 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल वही वर्किंग दोबारा करेंगे। अब आप एक्स एन की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे x1 + e की पावर -x1 - sin of x1 एंड होल डिवाइडेड बाई ई की पावर -x1 + cos of x1, ठीक है। तो अब आप देखिए, x1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले से निकाली हुई है, तो ये हम पुट करेंगे 0.5856 + e की पावर -0.5856 sin of, अगेन यही वैल्यू हम इसमें रिप्लेस करेंगे, और होल डिवाइडेड बाय इसमें आ जाएगा 5 8 एंड 5 6, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने इसमें रिप्लेस कर दी, ठीक है जी। तो अब आप इसमें चेक करेंगे क्या वैल्यूज इसकी बनती हैं, ठीक है। और मेरे पास चूंकि ये पहले से वैल्यूज कैलकुलेटेड है, x2 की वैल्यू अगर मैं आपको दिखाऊं जो मेरे पास है, वो 0.58 0.58 एंड 85 है, ठीक है। ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। अब आप देखें, आपने स्टॉप अप करना है या नहीं करना, यहाँ पे 0.5856 है जबकि यहाँ पे आ रही है 0.5885, ये दोनों बराबर तो नहीं है ना, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी स्टॉप नहीं करना है, आपने अगली वैल्यूज जो है वो इसमें निकालनी है, जब तक दो कंसेक्टिव वैल्यू सेम ना आ जाए आपने इसको स्टॉप नहीं करना। अब पहले आपने एन की वैल्यू 1 रखी थी, अब आपने एन की वैल्यू 2 रख देनी है इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में यानी आपने ये वैल्यूज जो है वो इसमें रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। तो देखिए क्या आएगी, x3 आ जाएगा, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे x2 + e की पावर -x2 - sin of x2 / e की पावर -x2 + cos of x2। तो अब आप देखें तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.5885, ठीक है, प्लस e की पावर में ये सारी वैल्यूज आप रिप्लेस कर दें, 5 8 एंड 8 5 -sin of 5 8 एंड 8 5 डिवाइडेड बाय 5 8 एंड 8 5 और प्लस कॉस ऑफ 0.5885। तो अब ये वैल्यूज भी मैंने ऑलरेडी निकाली हुई हैं, मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है अप्रोक्सीमेटेड सेंस में, आपने जब भी ये लिखना है तो अप्रोक्सीमेटेड सेंसेस का यूज करें, यहाँ पे सारी जगहों पे इक्वल की जहाँ पे आपने क्या डालना है, अप्रोक्सीमेशन डालनी है, ठीक है। ये सारी जगहों पे आप अप्रोक्सीमेशन डालें, ठीक है, यहाँ पे भी और ये वाली वैल्यू भी अप्रोक्सीमेशन में आ रही है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है 0.58 एंड 8 5, ये मेरे पास जो नेक्स्ट 3 की वैल्यू आ गई। तो अब आप देखें, ये वाली वैल्यू जो प्रीवियस थी और ये क्या सेम आ गई है, नहीं आई, तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों वैल्यूज है वो सेम आ गई हैं। तो हम क्या लिख देंगे आखिर में, सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 0.58 एंड 8 5। तो ये इस इक्वेशन का क्या आ गया, इस इक्वेशन का जो वो सोल्यूशन हमने जो ना वो कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो अब आपने जो है ना वो इसके बाकी सवाल इसके कंप्लीट करने, ठीक है, उम्मीद है कि किसी में जो है वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, किसी सवाल में। इसमें अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर इसमें है देखें 5 है जैसे, ठीक है। तो 5 में अगर आप देखें तो 4 sin x = e raised to power x इन द इंटरवल 0 to 0.5 लिखा है, तो आपके पास x नॉट गिवन नहीं है लेकिन इंटरवल गिवन है। तो इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यूज चूज कर लें, x नॉट 0 ले लें, 1 ले लें, 2 3 4, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, इनमें से कोई भी आप एक जो है ना वो
आप रूट गैस कर लें, बेशक जीरो ले लें, ठीक है ना, एक्स नॉट की वैल्यू बेशक जीरो ले लें, जीरो से करके जो ना वो देखें तो आपके पास वही सारा मेथड वही चलेगा, या 0.1 लेके देखें, 0.2 लेके देखें, एट द एंड जो आंसर है वो सेम आएगा। सिर्फ उसमें ये फर्क पड़ सकता है कि आपने जो है वो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जीरो अगर कोई जीरो लेता है और कोई एक 0.1 लेता है, तीसरा 0.2 लेता है, तो मे बी जो है ना वो किसी का सोल्यूशन जाके एक्स टू में आ जाए, किसी का सोल्यूशन जाके एक्स थ्री में आ जाए, किसी का एक्स फोर में आए, लेकिन जो लास्ट में वैल्यूज जैसे ये आती है ना, इसका सोल्यूशन जैसे आया था 0.5885 आया था फॉर एग्जाम्पल, ये सबका सेम आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना सबका सेम आना है, जो ये एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर है वो डिपेंड करता है कि इनमें से किसने जीरो लिया होगा तो हो सकता है जल्दी सोल्यूशन आ जाए, 0.5 किसने लिया मे बी जो है ना वो इसका लेट सोल्यूशन आए, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब ये सारे इसके छः के छः सवाल हैं, वो अब आप इसके जो ना बाकी कंप्लीट कर लेंगे, और इसकी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना इसकी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है, ये आप लोगों ने मस्ट करनी है और ये मुझे असाइनमेंट में जो है ना आपने सेंड करनी है, ठीक है। बाकी सवाल भी सेंड करने हैं लेकिन ये एग्जाम्पल 21 लाजमी करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये पेपर में जो है वो बहुत दफ़ा आई भी हुई है, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा मजीद चीज़ों का कि अगर एक्स नॉट गिवन हो तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, मजीद कोई आप बात पूछना चाहते हैं, तो वो लाजम मुझे व्हाट्सअप कर दें। आप लोग का बहुत शुक्रिया।